है गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 12th मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द GEM। आप सबको पता होगा गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस, ये एक पोर्टल है जहाँ से जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोक्योरमेंट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। फाइन, तो GEM स्टेप्स फॉर इजी प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रिटिकल हेल्थ इक्विपमेंट। आपको पता ही है कि आजकल कोविड चल रहा है, तो अभी क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के पोर्टल पे क्या किया है, अगर आपको क्रिटिकल हेल्थ इक्विपमेंट की परचेजिंग करनी है, चाहे ऑक्सीजन हो गया या कंसंट्रेटर्स हो गए या वेंटिलेटर्स या बाईपैप मशीन, तो उनकी जो परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा ईज कर दिया, रिलैक्स कर दिया। फाइन, तो इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग COVID-19 पेंडेमिक, तो जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है दैट इज़ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसने कुछ ऐसे मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या फिर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो ईजिली आप क्या कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और आप जो है गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो ईजिली क्रिटिकल हेल्थ इक्विपमेंट को बाय कर सकती हैं। फाइन, तो आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में पता होना चाहिए, ये एक नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो किसके अंडर काम करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। फाइन, देखो ये क्या प्रोवाइड करता है, सिंपल है, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक क्या कर सकते हो, बिडिंग का मतलब होता है सेल एंड परचेज कर सकते हो, रिवर्स ई ऑक्शन कर सकते हो, किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हो आप, ऑक्शन कर सकते हो या डिमांड एग्रीगेशन, सो दैट, और ये इसलिए कर रखा है कि गवर्नमेंट यूजर्स क्या कर सकें, इजीली ये सब काम कर सकें और अपनी मतलब कि जो प्राइस ले सकें अपनी एक मतलब कि किसका चीज का। फाइन, एंड अचीव द बेस्ट वैल्यू ऑफ देयर मनी। फाइन, ये पेपरलेस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, पेपरलेस होता है, कैशलेस होता है और कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म है जो आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि सेल एंड परचेजिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी कॉमन यूज के गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या PSUs को चाहिए होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन प्रोक्योर कर लेते हैं, प्रोक्योर का मतलब होता है परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल को और इम्प्रूव करने के लिए GEM 2 लॉन्च किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर GEM 3 को भी लॉन्च किया गया था जो आपको पावरफुल सर्च इंजन प्रोवाइड करते हैं, रियल टाइम मल्टी सोर्स प्राइस कंपैरिजन करते हैं, डिमांड एग्रीगेशन, तो ये सब क्या आपको प्रोवाइड किया गया। तो वेरियस टाइम्स पे क्या किया, इस प्लेटफॉर्म को भी अपडेट किया गया और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन GEM 4 भी आया, जब हम देख सकते हैं कि GEM 4 के क्या फीचर्स हैं। इसमें क्या होगा, जो MSMEs, जो आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, आर्टिजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीवर्स, जो भी रजिस्टर्ड हैं हुनर हाथ में या जो ट्राइफेड है वो इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल को हमने क्या करा है, काफ़ी बैंक्स और जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है इनके साथ इंटीग्रेट किया है, सो दैट टाइमली वे में इन लोगों को टाइमली वे में पेमेंट मिल सके और वेंडर से वो इजीली अपनी जो भी उन्होंने परचेज करी है उसको टाइमली मैनर पे डिलीवरी ले सकें। फाइन, इसके अलावा हमने क्या किया है, इसमें ट्रेड्स को अडॉप्ट किया। ट्रेड्स आपको पता है, इसमें जो MSMEs हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड्स इशू करके क्या कर सकती हैं, कैपिटल रेज कर सकती हैं। फाइन, ये आपको पता होना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ ट्रेड्स, दैट इज़ अ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो MSMEs को कैपिटल रेस करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसिकल मैकेनिज्म है, उसको इम्प्रूव किया गया। अगर आपको कोई लाइक दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे एक मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा जो बिडिंग मॉड्यूल है, मतलब किस तरह से आप सेल परचेज कर सकते हो, उसको रीडिज़ाइन किया गया और अब आइटम वाइज जो बिडिंग है उसको परमिट किया गया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ द ICMR टू डेलीब्रेट यूज़ ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड ट्रीटमेंट। ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड ट्रीटमेंट, साइंस एंड सॉरी टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर GST। तो अभी क्या, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो कि इंडिया की नोडल हेल्थ रिसर्च बॉडी है, आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा ICMR के बारे में, वो अभी क्या है मिलेगी, जिसमें वो डेलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या जो कोवेलेंट प्लाज्मा थेरेपी है जो अभी इंडिया में यूज हो रही है टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स, उसकी कितनी ज़्यादा इफिशियंसी है, ये डिस्कस करेंगे। फिर एट प्रेजेंट आपको पता है ये जो थेरेपी, जो प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जा रही है, ये एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है जिसको ऑफ लेबल परमिट किया गया। फ्रेंड, मतलब कि इसको, मतलब कि जैसे हम कोवैक्सीन दे रहे हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनेशन दे रहे हैं उसको तो ICMR ने मतलब कि अलाउ कर रखा है, लेकिन इसको एज सच परमिशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको आप उन कंडीशंस के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हो अदर देन दोज फॉर विच दे आर अप्रूव। ठीक है, ICMR की खुद की स्टडी के अकॉर्डिंग जो सितंबर में उन्होंने स्टडी करी थी, तो उन्होंने ये बोला था जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कोई इसका इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है COVID-19 के अगेंस्ट। ठीक है, CPT में देखो हम क्या करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है। जो कोविड पेशेंट होता है जो रिकवर हो चुका होता है तो उसकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बिल्डअप होती हैं, तो सिंपल होता है प्लाज्मा डोनेट करके क्या होता है, हम वो एंटीबॉडीज किसी और जो भी कोविड पेशेंट होता है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बिल्डअप हो जाती हैं और वो उस
वायरस से लड़ती है, फाइन। तो इट इन्वॉल्व ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्लाज्मा ऑफ अ रिकवर्ड पेशेंट इन टू अनदर पेशेंट, ठीक है। मतलब कि जो पेशेंट रिकवर्ड हो चुका है उससे हम उसका प्लाज्मा ट्रांसफर करते हैं दूसरे पेशेंट में, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है कंसेप्ट पे? पैसिव इम्यूनिटी, मतलब कि जो इंसान सही हो चुका है, जो उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो चुकी है, वो अपने इनडायरेक्टली दूसरे इंसान की इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी डेवलप किया जाता है बाई इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन टू अ पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन या फिर एनिमल, फाइन। ब्लड प्लाज्मा आपको पता है ब्लड का ही कंपोनेंट होता है, फाइन। इन विच जो ब्लड सेल्स होते हैं फ्लोट होते हैं और अपनी एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन्स होती हैं जो मतलब कि फॉरेन सब्सटेंसेस या फिर जो भी इररिलेवेंट सब्सटेंसेस होती हैं उनसे लड़ती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया उनसे लड़ती हैं। वन एक बार ये डन हो जाए तो कुछ जो ब्लड सेल्स हैं वो एज अ मेमोरी सेल काम करते हैं, जो क्या करते हैं उस वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने एनिमी को डिफीट करते हैं बाई क्विकली प्रोड्यूसिंग द सेम एंटीबॉडी, फाइन। देखो इस जो आपको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, जो को वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसमें भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप की जाएंगी कि जब भी अगर कलगती से आपके लाइक बॉडी में वायरस आए तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एकदम से आइडेंटिफाई करेंगी और फिर उस वायरस को डिफीट करेंगी, फाइन। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आई थिंक आपने काफ़ी सुन लिया होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। अभी क्या है, पेटिशन फाइल्ड हुई है सीकिंग एन इंटरिम स्टे ऑन द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन एट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इन ल्यूटन्स दिल्ली अमंग कोविड-19 पेंडेमिक। देखो कोविड-19 पेंडेमिक के अमंग एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो पेटिशंस फाइल की गई हैं कि अभी कोविड जब तक चल रहा है तो इसको इंटरिम मतलब टेम्परेरी इस कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए, फाइन। सेंट्रल विस्टा एक हेरिटेज एरिया है जो डिक्लेयर किया गया था 1962 मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली में कि एक इंपॉर्टेंट साइट है कि अगर हमने इंडिया के रिच कल्चर के एस्पायरेशन को पूरा करना है, फाइन। इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक कॉमन सेक्रेटेरिएट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, अलोंग विद इसमें प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस भी है, उनका रेजिडेंस भी है और कुछ जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल्डिंग है एंड वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। नीड क्यों है, देखो करंट जो पार्लियामेंट है वो 1927 की बनी हुई है और ये जो पार्लियामेंट है उसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को हाउस कर सके, मतलब कि बाइकैमरल मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को ये हाउस कर सके, तो इतना इसमें कैपेसिटी नहीं है। इसलिए रैदर इट वॉज बिल्ट, जब इसको 1927 में बनाया गया था इसको बस लेजिस्लेटिव काउंसिल को हाउस करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसकी कैपेसिटी है कि वो 900 से 1200 MPs को हाउस कर सकती है। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें सेफ्टी नॉर्म्स भी नहीं है और वो अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं है, फाइन। इसके अलावा जो ल्यूटन्स दिल्ली है उनका जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर देयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग 1920-1930 अलॉन्ग विद एडविन ल्यूटन, जो हर्बर्ट ब्रेकर थे उन्होंने भी इस बिल्डिंग के डिज़ाइन को डिज़ाइन किया था, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज इज स्लोइंग द हम ऑफ इंडियाज विंड मिल्स, फाइन। तो ये जो माई न्यूज़ है इन्वायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, जो टिपिकल मानसून है जब वो आता है वो कहीं ना कहीं जो विंड की स्पीड है उस वक्त कितनी होती है, 23 से 29 किलोमीटर पर आवर होती है, जिसकी वजह से जो टर्बाइंस होते हैं वो मतलब कि ऑफकोर्स ज़्यादा तेज़ी में उड़ेंगे और जितनी तेज़ी में आएंगे तो विंड एनर्जी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइन। टिपिकली मानसून ब्रिंग्स अलोंग विद इट विंड स्पीड्स दैट रेंज बिटवीन 23 to 29 किलोमीटर पर आवर फ्यूलिंग द टर्बाइंस दैट हार्नेस द विंड पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हाँ, वो जो लास्ट मानसून आया था उसमें जो एवरेज विंड स्पीड थी वो 20 से 27 किलोमीटर पर आती, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो रही थी ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। विंड की स्पीड अगर बिलो नॉर्मल हो स्पेशली जुलाई और सितंबर के बीच में तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि हम तो वेट करते हैं कि अगर मानसून आएगा तो विंड की स्पीड आएगी तो उस विंड एनर्जी के थ्रू हम मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन अगर उस वक्त विंड की स्पीड बिलो नॉर्मल हो जाए तो हमारा डिक्लाइन हो जाता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, मतलब कि हमने सोचा था कि जितना हम यूटिलाइज़ करके कैपेसिटी को प्रोड्यूस करेंगे वो रिड्यूस हो जाता है, फाइन। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ विंड टर्बाइन क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। ये बताते हैं कि जो हमने विंड मिल्स को इंस्टॉल की रखी है उनकी कैपेसिटी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करी है, ये इसका मेजर होता है। एट द एंड ऑफ मार्च 2021 के फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो ये CUF था वो 17% था, जबकि पिछले 2 साल के कंपैरेटिवली जो कि 20% था। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगी 2022 तक, और जिसमें से 38.78 गीगावाट विंड पावर को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, फाइन। कैपेसिटी एडिशन ऑलरेडी क्या स्लो डाउन हो, मतलब कि हमारा देखो एम है 2022 तक इतनी ज़्यादा 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी ये जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है और इसकी और
और उल्टा क्या मॉनसून विंड्स अगर स्लो आएंगी तो उसकी वजह से एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा जो 2/3 ऑफ विंड एनर्जी है वो इंडिया की जनरेट होती है ड्यूरिंग ओनली द 4 मंथ, दैट इज़ अ जुलाई टू सेप्टेम्बर, ठीक है। और अगर यहीं पर कम हो गया तो इंडिया का जो कैपेसिटी है, जो टारगेट है, वो और स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। दो बेसिक टाइप होते हैं विंड टर्बाइन के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन होता है और एक होता है वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन के होते हैं जो उसमें ब्लेड्स होते हैं टर्बाइन के, वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द विंड, ठीक है। और जो रोटेशन होती है ब्लेड्स की वो ज़्यादा पावर जनरेट करती है कंपेयर टू द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है, जो ब्लेड्स होते हैं वो अटैच होते हैं टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल रोटर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज द NHRC ऑर्गेनाइजेज वर्चुअल मीटिंग विद NGOs फॉर पेंडेमिक कंटेनमेंट। तो कहीं ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इशूज़ में कवर होगी। आपको पता होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर। ये क्या देखता है, देखता है कि कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहा, उनको इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है अगर स्टेट फेल हो रही है उनको डील करने में या फिर प्रिवेंट करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। इससे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट 2019 को अमेंड किया गया था, ठीक है। पर्सन जिसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, अब वो चेयरपर्सन हो सकता है NHRC। आपको पता है 2019 में जो NHRC की कंपोजिशन थी उसको चेंज किया गया था। उससे पहले क्या होता था कि जो NHRC का जो चेयरपर्सन होता था वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकता था, लेकिन अभी क्या है, कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी चेयरपर्सन बन सकता है, फाइन। इसके अलावा जो NHRC के मेंबर्स थे उनको इंक्रीज कर दिया, 2 से 3 कर दिया, जिसमें एक वुमेन होनी ही चाहिए जिसको नॉलेज हो ह्यूमन राइट इशूज़ के बारे में। इसके अलावा हमने क्या किया, चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो टर्म था पहले 5 साल होता था उसको रिड्यूस करके 3 साल कर दिया था, टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, जो भी विच एवर से, मतलब कि 3 साल या फिर 70 ईयर्स, जो भी जिसकी एज जो पहले हो जाएगी वो उसका टर्म होगा, फाइन। एंड वो इलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस किए थे एंड आई थिंक आपको पता होगा, फाइन। इसमें क्या होगा, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का एक मेंबर होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये 3 मेंबर्स होते हैं NHRC के, फाइन। नेक्स्ट नंबर अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पर, दैट इज द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी किए हैं, इन दोनों ने एक इनिशिएटिव कंडक्ट किए हैं, दैट इज द फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम सो दैट हम कोविड पेशेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। ये दोनों एज अ कंपनी है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। इसके अलावा जो ये पहली बॉडी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, जो क्या करता है, जो बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट के लिए इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये फुली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं, जो पर्सन SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, सो दैट हम उनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड कर सकें, स्पेशली जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे हो, फाइन। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अभी गाइज ये जो रिपोर्ट होती है ये एक नोटेबल डिपार्चर है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एंड स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द सस्टेनेबल रिपोर्ट रिपोर्टिंग एट पार विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो अभी क्या है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने एक सर्कुलर नोटिस किया है जिसमें वो क्या करेगी, जो टॉप 1000 कंपनीज है, मतलब कि अभी जो हमारी इंडिया की जो टॉप 1000 कंपनीज हैं उनकी क्या सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कि वो कितने साल तक फाइनेंशियली अच्छी रह सकती हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या करेंगे, एक सर्कुलर नोटिफाई करेंगे जिसके कुछ न्यू डिस्क्लोजर नॉर्म वो नोटिफाई करेंगी ऑन द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्टिंग ऑफ द टॉप 1000 लिस्टिंग कंपनीज बाय मार्केट कैप बाय फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइन। रिपोर्टिंग किसके अंडर होगी, अंडर अ न्यू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या, जो कंपनीज हैं उनको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करना होगा अपने मटेरियल एनवायरनमेंट के बारे में, सोशल गवर्नेंस रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ और क्या वो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं सो दैट वो अपने रिस्क को अडॉप्ट मिटिगेट कर सके विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट है IREDA बैग्स ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। अभी ये क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी लिमिटेड उसको अभी ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है बिकॉज ये एक लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूशन को क्या करती है, फाइनेंस करती है बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये एक मिनी रत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, किसके अंडर कंट्रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था एज एन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 1987, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनी रत्ना कंपनी है। नेक्स्ट है
पी फीजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन अभी क्या है जो यूएस से फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 12 से 15 साल के बीच में है और ये पहला वैक्सीन होगा चिल्ड्रंस के लिए जिसको अलाउ किया है। देखो हमने कल भी पढ़ा था परसों जब हमने वैक्सीन को कंपेयर किया था इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो mRNA है डेवलप किया गया यूएसए के द्वारा। जो mRNA वैक्सीन है वो ये करते हैं कि हमारे जो अगर आपको वैक्सीन लगाया जाएगा तो आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनको ये टीच करेंगे कि आपको कैसे प्रोटीन करना है लाइक अगर कोई भी लाइक एकदम से अगर आपकी बॉडी में वायरस एंटर कर जाता है तो आप किस तरह से प्रोटीन बिल्डअप करोगे और एकदम से किस तरह से इम्यूनिटी बिल्डअप करोगे इनसाइड आर बॉडीज। नेक्स्ट है एस्पर्गर सिंड्रोम। अभी के जो टेक बिलियनरी एलन मस्क हैं उन्होंने अनाउंस किया कि उनको ये सिंड्रोम है ये एक डिसऑर्डर है जहाँ पे लोगों को ट्रबल होती है इन सोशल रिलेशनशिप ठीक है ये बिलोंग करता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को विच कैन ये क्या करता है किसी पर्सन की मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है ठीक है। इस डिसऑर्डर को नेम किया गया था आफ्टर जर्मन डॉक्टर हैंस एस्पर्गर जिन्होंने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था 1944 में 2013 में ये एक मतलब कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक इट बिकेम पार्ट ऑफ वन अम्ब्रेला डायग्नोसिस ऑफ दिस इन डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मतलब कि इसका एक पार्ट बनाया गया। फाइन लास्ट है कुछ पर्सनैलिटी से जो न्यूज़ में थी रविंद्रनाथ टैगोर अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया बंगाल में एज 25 बैसाख ही इज द कंपोजर आपको पता है नेशनल एंथम दो नेशंस का इन्होंने ही कंपोज किया इंडिया और बांग्लादेश का। इसके अलावा ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड मतलब कि श्रीलंका के नेशनल एंथम में भी रविंद्रनाथ जी का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इनको नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर भी अवार्ड किया गया था इन 1913 फॉर कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने ये अवार्ड को जीता था। इनके जो फादर दीपेंद्रनाथ टैगोर हैं वो ब्रह्मो समाज के लीडर भी थे आई थिंक आपको पता होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इट वॉज द टैगोर जिन्होंने महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी मतलब कि महात्मा का जो टाइटल दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था 1915 में। इसके बाद जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही फाउंडेड की गई थी। नेक्स्ट है जीके गोखले दैट इज अ गोपाल कृष्ण गोखले ये आपको पता ही वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन बनारस सेशन 1905 में। पॉलिटिक्स के ज्वाइन करने से पहले ही वॉज वर्क एज अ प्रोफेसर इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी फाउंड करी थी 1905 में और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी कैंपेन्स लॉन्च की थी सो दैट हम एजुकेशन हेल्थ केयर और सैनिटेशन को प्रमोट कर सके। ही वॉज अ मॉडरेट कांग्रेस लीडर आपको पता है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे तो ये मॉडरेट कांग्रेस लीडर थे जिनके मेंटर और ये इन्होंने महात्मा गांधी जी के मेंटोर थे जीके कोखले तो आपको पता होना चाहिए एंड इवन कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी जीके कोखले मेंटोर थे। फाइन इनको काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट किया गया था ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1903 में। इन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था हितावदा वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ये जो न्यूज़पेपर आपको पता होना चाहिए कौन स्टार्ट किया था ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी गुजराती में जिन और गांधी ने ये बुक डेडिकेट की थी गोखले का जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो डेली करंट अफेयर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना कोई डाउट तो कमेंट करना तब तक ले बाय टाटा।